तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइज, आप सभी को पता है कि UK07 राइडर उर्फ बाबू भैया बहुत दिनों पहले ही बिग बॉस से बाहर निकल चुके हैं, और बाहर आने के बाद उन्होंने बिग बॉस की पोल तक खोल दी थी। अब इसी बारे में मीडिया वालों ने फैजान अंसारी से ये पूछ लिया, बिग बॉस ने यूके को बाहर निकाल दिया, आपका इस बारे में क्या कहना है। जिसके बाद फैजान ने क्या बोला, आप खुद ही सुन लीजिए। अनुराग, जो यूके राइडर अपने आप को कहता है, वो बिग बॉस 17 में चला कैसे गया है? इतना नल्ला आदमी है वो, और ऊपर से अंदर जाके कह रहा है मुनव्वर शाहरुखी से कि मुनव्वर, ये ट्रॉफी तो मैं लेके जाऊंगा ही। आप देखिए कैसे बाहर वो एविक्ट हुआ। तो इस जैसे लोगों का बिग बॉस में जाना ही बहुत बड़ी बात है, यूके राइडर जैसे लोगों का, फिर भी वो जाके ऐसा रिएक्ट कर रहा है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि नहीं हम विनर थे और हमें हटा दिया, तो बिल्कुल गलत है। उसको अनुराग की कास्टिंग कैसी हुई है मुझे पता नहीं है, अनुराग कैसे उसके घर में गया, और बहुत बड़ी चीज़ है अनुराग को लेकर, मैं आपको आगे बता सकता हूँ और बताऊँगा आपको मैं। लेकिन जब देखिए क्या होता है कि जैसे यूट्यूबर्स हैं, जो पहले भी यूट्यूबर्स आए, तो इनकी खुद की इतनी बड़ी गैंग होती है, इनके इतने बड़े सपोर्टर्स होते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप 10 लोगों से बोलेंगे तो वही लोग वीडियो बना देंगे आपके सपोर्ट में। सो एक्चुअली ये होता है, अनुराग एक मैच्योर इंसान नहीं है जितना मैं आपको बताऊं, और मैंने काफ़ी स्टडी करा है, आपको अगर पता करना है तो आप पता कर सकते हैं। अनुराग जो यूके राइडर कहता है वो एक्चुअली मैच्योर नहीं है, वो 8 मंथ डिलीवरी वाला बॉय है, यू नो, मतलब 8 मंथ में उसकी डिलीवरी हो गई थी। वो मैच्योर बंदा नहीं है, अनमैच्योर है, उसको बात करना नहीं आती, एबनॉर्मल भी है थोड़ा, वो उसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं ले। मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे उसको पोलियो का भी इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर काफ़ी। आप उसका लेफ्ट हैंड देखेंगे अनुराग का, तो बहुत पतला हाथ है, इतना पतला है, और उसका वेट जो है 42-43 kg ओनली, तो 40 किलो के आसपास खाली उसका वेट है। अगर वो ट्रॉफी जीतता भी तो ट्रॉफी के साथ ही गिर जाता।